बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को क्राम सिटी अटेन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ़। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा। आज तो शहर में अच्छी खासी धूप है, इस मौसम को भी इंजॉय कीजिए। सर्दी की शिद्दत में कदरे बेहतरी इस टाइम महसूस होती है, लेकिन रात को अच्छा खासा मौसम ठंडा हो जाता है। खैर, आज के प्रोग्राम में कुछ खबरें भी होंगी, मौसम की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, हमारे मेहमान भी होंगे। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एक दिन एक मेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। अम्मा बात, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़माने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा फरमाया करते थे कि मैंने फ़लाँ शख्स को यमन का गवर्नर बनाना है या ओहदा देना है, और ये तय होता था कि सुबह फ़ैसला किया जाएगा, तो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन रात को अल्लाह के हुजूर उठकर दुआ किया करते थे, ए अल्लाह कहीं सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ओहदा ना दे दें, हम इसको कैसे बचा लाएंगे। ये फ़र्क है मेरे भाइयों, सहाबा की सोच में, हमारी सोच में। हम ओहदे की खातिर लोगों की इज़्ज़त को भी दाव में लगा देते हैं ताकि किसी तरह ओहदा मिल जाए, क्योंकि हमारे सामने दुनिया है और सहाबा के सामने आखरत हुआ करती थी, इसलिए ओहदे से इज्तनाब किया करते थे। अल्लाह हम सबको फ़िक्र आखरत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ये था आज का पैगाम। हम बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। सर्द मौसम में सियासी महाज गर्म है। सरबरा मुस्लिम लीग काफ ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह, परवेज इलाही का शाहाना प्रोटोकॉल। मरियम नवाज चंद रोज में आ रही हैं वापस, बड़े इंतखाबी मार्के के लिए नून लीग की तैयारियां। और पीकेएलआई में अद्वियात की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, दो हफ्ते से किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी बंद है। हमने खबरों की डिटेल्स की तरफ आना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और शहर का मौसम अच्छा खासा सर्द है, लेकिन इस सर्द मौसम में सियासी महाज पर अगर नज़र डालें, सियासी मंजरनामे पर नज़र डालें, तो कुछ सख्त मौसम नज़र आ रहा है यहाँ पर। जी, सरबरा मुस्लिम लीग काफ ने परवेज़ इलाही साहब की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर लेते, क्या हुआ ये? देखिए, रुकनियत मुअत्तल करना तो बनती थी। मैं तो हैरान था उन तजियाकारों, तजिया नगारों पर जो टेलीविजन पे और अखबारात में लिख रहे थे। मैंने कल इस पर ब्लॉग भी लिखा। ये बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब जैसे अभी कोई शख्स उठे और वो जाके इमरान खान साहब से कहे मैं मुस्लिम लीग नून को जम कर रहा हूँ उसके अंदर। अब उसका प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ हैं, उसके सरबरा नवाज शरीफ हैं, नायब सीनियर नायब सदर मरियम नवाज हैं, वो अगर जाते हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी में जम हो गई। एक परवेज़ इलाही और उनका बेटा जो है वो कैसे कह सकते हैं कि काफ लीग जम होगी? काफ लीग पर इलेक्शन कमीशन में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, राव साहब ये बड़ी सोचने की बात है, दोनों जगह पे चौधरी शुजात साबित कर चुके हैं कि काफ लीग उनकी जमात है और वो उसके सरबरा हैं। ये दोनों बाप बेटा जो हैं, ये उनसे टिकट लेकर इलेक्शन में हिस्सा लिया था इन्होंने। वो टिकट अभी तक इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, जिस पर साइन जो दस्तखत हैं वो चौधरी शुजात साहब के हैं। तो ये कैसे कह सकते थे कि काफ लीग को जम किया जा रहा है? किसी भी पार्टी का जो सूबाई चैप्टर है वो जम करने की ना उसकी फैसला साजी हो सकती है, ना वो फैसला कर सकते हैं, ना वो हो सकते हैं इंफरादी फैसला। वो उनका इंफरादी फैसला जरूर हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब अनाउंस करें कि मैं आज से खिलाड़ी हूँ,
और वो खिलाड़ी हूँ जो डाकू, सबसे बड़े डाकू के ताने भी सुनते रहे और उसके बाद फिर उन्हीं के वज़ीर आला भी बनना पसंद फरमाया और उसकी उन्हीं के स्पीकर भी रहे, उन्हीं के जो उन्हीं के मामलात को लुक आफ्टर भी करते रहे। और जिस तरह से ये सारी कैंपेन भी अभी रिसेंट आपने देखी है, प्रोटेक्ट किया गया है, जिस तरह से सरकारी वसाइल मुहैया किए गए हैं, वो किराए के जहाज़ की बात हो, किराए के हेलीकॉप्टर की बात हो, या नया जहाज़ खरीदने की बात हो, या जो सरकारी हेलीकॉप्टर है वो ऑटो रिक्शे की तरह इस्तेमाल करने की बात हो, तो परवेज़ लाई साहब ने पूरी जो मैंने जो, जो मैंने ये कल एक टर्म लिखी थी, राव साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने ये लिखा था कि दुनिया जो है जो थिया जाती है सठिया जाती है, तो परवेज़ लाई साहब जो थिया गए हैं इस उम्र में उनसे ये सियासी गलती हो रही है। नहीं, वो आपको शायद याद होगा, मैं आपको याद होगा कि छोटा इमरान खान की मैंने एक दफ़ा टर्म यूज़ की थी, वो छोटा इमरान खान, अब आपको समझ आ गई है छोटा इमरान खान, आपको याद आ गया कि नहीं छोटा इमरान खान का क्या मतलब था? सियासी बसीरत के जिस तरह से लोग मुतरफ थे आमिर भाई, ये तो बैक गियर। अच्छा, ये अब समझ आ रही है लोगों को, मैंने एक दफ़ा पहले भी आप ही के प्रोग्राम में ये कही थी कि सियासी बसीरत चौधरी शुजात की थी, नाम परवेज़ लाई का इस्तेमाल होता था, सही कह रहे हैं। और ये चौधरी शुजात की बसीरत थी कि वो अपने वालिद के बाद इस जमात को उन्होंने ना सिर्फ बनाए रखा बल्कि अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग भी किया और वज़ीर आज़म के ओहदे तक वो खुद पहुंचे और अपने भाई या कज़न या उनको बेनोई जो भी आप उनको कह लें परवेज़ लाई साहब, उनको उन्होंने दो दफ़ा वजारत आला का मजा भी चखा दिया, स्पीकर भी बनाया पंजाब असम्बली का और इनका नाम बनाया, स्पीकर बनाया मोनस लाई को वजारत के लिए। जब भी इमरान खान, इसी इमरान खान से जब भी बात होती थी वजारत के लिए बात होती थी तो मोनस लाई का नाम दिया जाता था, सालिक का नाम नहीं दिया जाता था या किसी और का नाम नहीं दिया जाता था, और भी हुसैन लाई भी MNA है, उनका नाम नहीं दिया जाता था, लेकिन हमेशा जो हुसैन लाई हैं वो सगे भाई वजाहत के साहबजादे हैं, उनका नाम कभी नहीं दिया गया वजाहत के लिए, हमेशा मोनस लाई को प्रायोरिटाइज किया गया चौधरी शुजात साहब की जानिब से। और अगर वैसे भी बात होती थी तो ऑब्वियसली उन्हीं का नाम आता था, लेकिन जो हशर उनका उस वक्त के वज़ीर आज़म किया करते थे और जिस तरह की गुफ्तगू बाहर आती थी मोनस लाई से मुतल्लिक, वो सारी चौधरी शुजात साहब कहीं कर चुके हैं ये गुफ्तगू कि वो तो उन्हें पसंद ही नहीं करते थे और उन पर हर तरह से उंगलियां उठाते थे और उनको उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, उसके बाद से फिर जाहिर है अब मोनस लाई साहब को पता नहीं क्या उनमें मेरा ख्याल पसंद आया और परवेज़ लाई ने सारे दरवाजे खुद अपने लिए बंद कर लिए और वो उनकी सियासत जो है वो अब उस पर इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, वो कब्रिस्तान में दफन करने जा रहे हैं क्योंकि अपनी शनाख्त खत्म हो गई पार्टी में, किसी दूसरी पार्टी में, अब PTI के खिलाड़ी होंगे ना आप, इमरान खान का मतलब किसी पार्टी में क्या है कि आप अपनी शनाख्त खो देते हैं। दूसरा, अब जिस पार्टी में शामिल हो रहे हैं वहाँ तो एक डिक्टेटरशिप है इमरान खान के नीचे। मैंने कल अपने ब्लॉग पर दोबारा जिक्र करता हूँ, मैंने लिखा है कि मिराज मोहम्मद खान जो इनके पहले जनरल सेक्रेटरी थे, लोगों को अब याद भी नहीं होगा, सराकी सूबे वाले मिराज मोहम्मद खान साहब जो है वो जीरक सियासतदान थे, वो उनके साथ चंद दिन चले, उसके बाद इन्हें बुला दिया गया। जैसे वजीहुद्दीन कहाँ गए, कहाँ गए जंगीर तरीन कहाँ गए, बाकी लोग जो इनके साथ इनके मौसम थे, तो इमरान खान तो एक ऐसे शख्स हैं, उन्होंने उससे अगले दिन जिस दिन उन्होंने लिख के दिया असम्बली तहलील करने का, अगले दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया TV पे बैठकर, उन्होंने बड़े धरल्ले से कहा, उन्होंने कहा हमने तो कोई वादा नहीं किया परवेज़ लाई के साथ कि ये बनेगा वज़ीर आला, और ये वज़ीर आला उनको सूट करता है उस्मान गुज़ार जैसा। ये खाम ख्याली है कि कल को अगर इलेक्शन होते हैं तो खुदा ना खास्ता PTI अक्सरियत लेती है दोबारा, जो कि 186 का गोल्डन नंबर है, उससे अबव नंबर इनके जाते हैं कल को जब इलेक्शन की सूरत में, तो ये जो खाम ख्याली बनाए बैठे हैं जहरुल्लाही रोड वाले कि दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और ये मेरा ख्याल है इमरान खान को सही रीड नहीं कर सके, यानी आप कह रहे हैं इमरान खान दोबारा कोई ना कोई मंसूर अख्तर या वसीम अकरम प्लस। मैं अगली खबर की तरफ भी आ जाती हूँ, फिलहाल तो वो अपना शाहाना प्रोटोकॉल अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, कल की मिसाल हमारे सामने शारदा फ्लाइट दिन है, हाँ आज निगरान गवर्नमेंट आएगी तो ये शाहाना प्रोटोकॉल भी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी कितना वक्त है, कब तक इमरान खान साहब 21 नहीं, आज आखिरी दिन नहीं है, अगर तो निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के हलफ लेने तक परवेज़ लाई साहब वो लेंगे, वो चीफ मिनिस्टर लेंगे, लेकिन आज नाम फाइनल ना कर सके दोनों, कमीशन के पास मामला चला नहीं, इलेक्शन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, तीन रोज पार्लियामेंट्री वो करेगी और उसके बाद 24 घंटे में इलेक्शन, 4-5 दिन वज़ीर आला रहेगा परवेज़ लाई साहब के नाम के साथ, इसीलिए तो वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने तोड़ा इमरान। हाँ,
क्योंकि उनके पास जाए पनाह कोई नहीं बचनी थी। हाँ। जाए पनाह कोई नहीं बचनी, जो बहुत सारे मसाइल का इस्तेमाल हो रहा है मिनी बनी गाला में जबान पार में, वो कहाँ जाएगा? जो अलाइड महकमों के तरक्याती फंड्स जो डेली अखराजात पर लग रहे हैं उसका कौन हिसाब देगा? वो कैसे पूरे होंगे? वहाँ पे जो इतना ज्यादा वहाँ पर इंस्टॉलेशंस की गई हैं, सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद सलीह को वापस आना चाहिए और अपने वालिद साहब के साथ मिलकर, क्योंकि उनके मशवरे पे शामिल हो रहे हैं तरीके साहब पे, तो अपने वालिद के कंधे के कंधा मिला के खड़े होना चाहिए, सामने आने चाहिए ना। आप देखो आप गुजरात नहीं, वो वापस आए गुजरात और मंडी में मेरे बच्चों के पैसे जो स्कूलों के पैसे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्या उसका हिसाब नहीं लेना? आप कह रहे हैं मिस्टर 17% वापस आए, पहले 17% को तो संभाल लें, वो स्पेन जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तरफ जाना है, ये शाहाना प्रोटोकॉल की मैंने बात की है, एक कमेंट चाहिए। ये अब ये 5-6 दिन एंजॉय कर सकेंगे परवेज इलाही साहब? 5-6 दिन नहीं, जब तक निगरान वजीर इमरान खान साहब, ये छोड़े परवेज इलाही साहब इस तरह के बंदे नहीं है, मैं नहीं समझता उनका ये शाहाना प्रोटोकॉल। कल वैसे उन्होंने रोड बंद कराई तो शदरा में ट्रैफिक जैम रही, लेकिन इमरान खान साहब जो शाहाना प्रोटोकॉल है, किसी पाकिस्तान के वजीर आजम के पास वो प्रोटोकॉल और वो पुलिस फोर्स नहीं है जो उनके डेरे पे जमान पार के दो नंबर घर है, किसके बाप के पैसे के दो नंबर घर जो है वो वहाँ हमेशा किसी न किसी के बाप के पैसे लगते रहे। सही क्या आपने, आप कोई पूछने वाला नहीं राव साहब? जमान पार्क दो नंबर की आप बात कर, दो नंबर घर है ना? हाँ नंबर टू नंबर दो नंबर घर, मैंने कोई गलत बात कही? आप जमान पार्क में जाकर किसी से पाक ऐसे ना करें ना, आप टू जमान पाक। अच्छा जी टू दी मैं तर्जमा बता दें, राव साहब आप बता दें। नहीं नहीं आप ऐसे ना, आप टू का तर्जमा बता देना यार, राव साहब आप अपने टू का तर्जमा बता दें यार। दो जमान पार्क बोल रहा हूँ, दो जमान पार्क है ना, आप दो नंबर ना ना कहे, दो जमान पार्क का दो नंबर घर जी नहीं मशहूर है जमान पार्क का दो नंबर घर, मैं दोबारा कह रहा हूँ जमान पार्क का दो नंबर घर मशहूर है, जमान दो जमान पार्क है, आप जमान पार्क का दो नंबर घर मशहूर है। मेरे जुमले में गलती आप निकाल दें, आप गलत कह रहे हैं ना, दो नंबर ना नंबर ना ना कहें, नंबर टू कहना चाह रहे हैं आप दो, आप दो नंबर ना ना कहें, अब हाउस नंबर टू का तर्जमा कर दें मुझे, दो नंबर नहीं है हालांकि वो 5-6-7 नंबर है, आप दो नंबर घर, दो जमान पार्क है ना, आप दो नंबर घर काम कहीं उसमें उलझ रहे हैं। राव साहब कह रहे हैं हाउस नंबर टू, आमिर भाई कह रहे हैं दो नंबर घर, मैं कह रही हूँ साबिक वजीर आजम का घर, दो नंबर घर, दो जमान पार्क, हम नहीं कहते दो जमान पार्क। अच्छा 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घर देने वाला का घर है। आप यहां से पकड़े रहे ना, उसने दो नंबर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देने वालों का घर है, रियासत मदीने के दावादारों का घर है, वो हकीकत सबके सामने खुल गई है, और असल में हाकमियत पसंदों का घर है, और उसका नंबर दो है। बात फिर वही हमने खत्म कर दी है। खैर अब हमने कुछ बात करनी है जी, नून लीग इस तमाम महाजराई को लेकर कितनी एक्टिव नजर आ रही है, मरियम साहिबा का वापस आने की तैयारियां हैं, तो अब नून लीग इस मार्के को किस तरह से देखती है, वापस आके इस पे बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, सियासी मंजरनामे पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी। कल जो बड़ी पेशरफ्त हुई वो तो आपके साथ डिस्कस कर ली, और किस तरह से परवेज इलाही साहब खुद अपनी सियासत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अच्छा यहाँ पर कोई आपका मुखालिफ कुछ आपके लिए बुरा करता है, आप खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं पता चल रहा। खैर अब नून लीग की तरफ आ जाते हैं, मरियम साहिबा वापस आ रही हैं और बड़े इंतखाबी मार्के के लिए नून लीग की तैयारियाँ भी भरपूर तरीके से चल रही हैं, जिस तरीके से चलनी चाहिए वाकई चल रही हैं आमिर भाई? नहीं मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल ये उस तरह से चल रही हैं लाहौर का प्रेसिडेंट कौन है, मुस्लिम लीग नून का तंजीम साजी कहाँ है, कहाँ है इनके जो MPA MNS के 2018 में कैंडिडेट्स और फातिया थे ना, आपको सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं? सोशल मीडिया तो चले एक छोड़ दें, वर्चुअल एक चीज है, उसमें बहुत सारी चीजें, कभी कासिम अली शाह के हक में ट्वीट चल रहे होते हैं और कभी उस बेचारे के खिलाफ चल रहे होते हैं, वो हमारे पास भी अक्सर गेस्ट होते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अपर लेवल पर आप बात कर रहे हैं, आप अब इलेक्शन में जाने वाले हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ आवाम इसमें रहते हैं, 65% पाकिस्तान है ये, उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? क्या सिर्फ मरियम को अपॉइंट कर देना तैयारी है? नहीं, क्या हमजा वापस आ गए हैं? क्योंकि वो एक अरसे से पंजाब की
पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, आप नीचे यूनियन काउंसिल की लेवल तक हैं ही नहीं, ना आपने काम किया है ना आपने वर्कर तैयार किए हैं। समझ लेनी चाहिए कि आपको 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 गॉड गिफ्टेड लोग मिले, वो नवाज शरीफ की कायदाना सलाहियतें थी उस जमाने में, उनके उनका काम था, मेहनत थी, वो उन्होंने बहुत मेहनत की, 3 दफा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बने, जिला वतनी भी काटी, उनके साथ लोग आज भी अटैच हैं। लेकिन आहिस्ता 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 आपने अपने वर्कर्स को खामोश रहने पे आमिर भाई, अब ग्राउंड रियलिटी जो है वो यकसर मुख्तलिफ है, अब सोशल मीडिया का दौर है, आपको सियासी महाज पर भी अब इस वक्त हाइब्रिड रजीम की जरूरत है, जिस तरह से हाइब्रिड आपके, वैसे मैं नहीं मानता हूँ, कराची के इंतखाबात में साबित कर दिया 85% उनका सर्वे था, उसका 85% कराची जो है वो वोट देने जा रहे हैं, मेजर स्टेक होल्डर था वहाँ पे वो इलेक्शन, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, पीटीआई का वोटर, पीटीआई का वोटर पीटीआई का है, नून लीग का वोटर नून लीग का है, अब इसको देखिए ना, मैं पीटीआई का वोटर हूँ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कोई बायकॉट करता है। लेकिन आमिर भाई सियासी जमातों की, सियासी जमातों की कुछ तैयारी होती है, देखिए सियासी जमातों की इंतखाबात के अमल के हवाले से बड़ी तैयारी होती है, और हमने माजी में देखा है, हम जो नून लीग का खासा था वो डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स के हवाले से था, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमजा शबाज का कंट्रोल था तंजीम पर, जो तंजीम साजी निचली सतह तक थी। राव साहब आप था वाली बातें ना ना करें, अब अच्छा, क्या अब क्या हो रहा है, अब काफी अरसा से हमजा शबाज का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ पे हैं, और इस सारी जो अभी इनको बहुत बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है 186 वोटों वाली, और जिसपे रिजाइन करने की बातें अता तारण किया करते थे, अब कहाँ हैं, वो यार 186 वाली छोड़ दे, वो देख लो पुरानी कंपनी है, नहीं नहीं नहीं, अगर आपने नए इलेक्शन की बात करनी है तो आप पेदर पे देखो, देखिए पेदर पे शिकस्त हो रही है आपको, उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाहौर के 4 हलकों में इलेक्शन हो, 3 में आप, 3 में आपको शिकस्त हो और लाहौर आपका किला समझा जाता है, इससे मुस्लिम लीग नून कुछ सीख नहीं रही, बात में वजन तो है राव साहब, मुस्लिम लीग नून इससे कुछ सीख नहीं रही, पहले कहा कि मुस्लिम लीग कभी है ही नहीं, मुस्लिम लीग जा रही है उसी पैटर्न पे, हमने मेट्रो चला दी, हमने ऑरेंज लाइन चला दी, हमने ये कर दिया, वो अब वो सौदा, मुझे वो टाइम याद आता है, अब वो सौदा नहीं बिकना, छोटे छोटे इवेंट्स नून लीग के दिखाते थे, exactly. लोगों के साथ लोग बैठे अच्छा, थे। आप ए, ए, आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर में, प्राइम मिनिस्टर साहिबा बिल्कुल, उनका बेटा तीसरा चौथा नाम बता दे, अली परवेज मलिक आपको नजर आएगा, बस शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक, और इतवार की इतवार का आपको खोखर बरादरान नजर आ जाएंगे, वो पता नहीं कहां नजर आते हैं, नहीं वो भी आप कवर करेंगे तो वो भी सिटी 42 पे कवर होने की वजह से शायद नजर नहीं, मैं उनके हल्के में रहता हूं, वो काम भी कोई नहीं कर रहे, उनका छोड़ दें, नहीं नहीं ठीक है, उनके साथ देखें नून लीग के सीट के साथ, लेकिन उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो 2 से 3 बस, अब भाई लोगों के दरवाजे खुलने चाहिए, चौधरी शिबाज मेरा दरवाजा खुला है, लोग आ जाए, लाहौर की दफ्तर, लाहौर का इतना जबरदस्त नसीराबाद में दफ्तर बना हुआ है, मुझे बताएं आज तक तंजीम साजी मुकम्मल नहीं हो सकी लाहौर की, और इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस करवाने थे वही नहीं अभी तक करवा सके, इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली उस पर नोटिसेस दिए, इलेक्शन ना करवाएं भाई, थप्पगी तो दें, और अगर वर्कर काम कर रहा है अपने लोगों के साथ रابطे में नहीं है अपने, अब ये दरवाजे खुले हैं, जो उनके दरवाजे खुले हैं तो वो बादशाह के आलम में नून लीग जाए, इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि नून लीग जहां स्टैंड कर रही है और एक्टिव होना चाहिए उतनी नजर नहीं आ रही, जब टिकट की बारी आती है तो वही घिसे पिटे चेहरे वापस आते हैं, कोई मुझे बता दे कोई नया डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर कोई जिसने आईटी की खिदमात हो उसको इन्होंने टिकट दिया हो, वो अच्छा वो तो खैर पैसे का मामला है, उस पर किसी भी बहस कर लेंगे, असल लेकिन, मसला ये है कि आप निचली सतह पे अब नहीं, 2001 से आप अगर आप देखें तो ये आपको और एमएनए हैं उनके दरवाजे खुले हैं, तबका के लोग नजर आए ना, ख्वाजा इमरान नजीर, इन्होंने तरक्की की ना, मतवसत तबका से आए ना भाई, वो नीचे मोटरसाइकिलों से आए ना, चौधरी शिबाज आया ना, स्टूडेंट यूनियन से आ गए ना, ये लोग आपका इत्तफाक नहीं होने वाला, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें अब सबकी नजरें हैं निगरान वजीर आला की तरफ, और नासिर खोसा साहब ने वजीर आला बनने से माजरत कर ली है, कौन से नाम आमिर भाई अब जेरे गौर हैं? मेरा नहीं ख्याल का कोई नाम इतना खास कोई अब जेरे गौर होंगे, राव साहब ने अभी पहले सेगमेंट में बताया था कि पार्लियामेंट कमेटी के पास चला जाएगा 3 दिन, वो इसको रगड़ा लगाएंगे, हो ही नहीं सकता, जब इसमें सबसे जो मजेका खेज अमल है ना वो यकीन करें पीटीआई की जो पीटीआई का थिंक टैंक है ना उसको वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए उनको उनकी नलायकी पे, और एक सरकारी मुलाजिम का नाम दे रहे हैं आप, और फिर दूसरा जो नाम दे रहे हैं
उनका खोसा साहब का, उनका नाम उनके साथ जो पिछली दफा इन्होंने किया उसका नाम दे के उसका अप्रूव होने के बाद वापस लिया, इनको तो अपने फैसलों पे भी शर्म नहीं आती। नहीं, वो सकेरा साहब वाला तो कहते हैं इमरान खान से बड़े यूथी हैं, अंदाजा लगाएं, इसलिए उनका नाम दे दिया। अंदाजा लगाएं वो 31 को रिटायर्ड होंगे, सरकारी मुलाजिम का आप नाम दे रहे हैं और आ जाके आपका अब एक नाम बचा नसीर खान। इसका मतलब ये है कि आप देना ही सिर्फ एक नाम चाहते थे, लेकिन एक और नाम है जो कि नून लीग की तरफ से आ सकता है मुमकिन तौर पर, जिसमें आजम सुलेमान साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नाम, लेकिन वो इस वक्त एम्ब्यूट्समैन है और उनको उनको अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना है तो फिर उनको अपनी जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो बीच चौराहे खत्म करना पड़ेगा और फिर वो ज्वाइन कर सकेंगे, अदरवाइज वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे और नहीं होगा भाई, नहीं होगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोई शरीफ आदमी, ये इलेक्शन कमीशन ही शरीफ आदमी कम अज कम जो है वो इज्जतदार आदमी के पास इसलिए जाएगा कि किस एक एक नाम पे इत्तेफाक हो ही नहीं सकता, मुखालिफत इस कदर ज्यादा है तो मामला जाएगा इलेक्शन। इमरान खान अपनी जगह पे अपनी बात पे खड़े नहीं हो सकते, ऐसे ही है exactly. एक तो उनकी टांग का मसला है वो लंगड़े इस वक्त वो खड़े नहीं हो सकते नहीं, ऐसे और ना कहें आप जख्म है उनके जख्मों पे आप क्यों नमक पाशी कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं उनको क्या कहूँ मैं, अगर मतलब वो लिंप करते हैं या लंगराते हैं तो आप क्यों ऐसे कह रहे हैं, वो वॉक करते हैं। पहले आपको 2 नंबर घर पे इतराज था, अभी आप देखे, आप देखे इतनी बड़ी जो पट्टी उन्होंने बांधी होती है वो किस लिए बांधी। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, आप क्या शौक से ठंड लगेगी वैसे, आपका ख्याल है नहीं, आपका ख्याल है वो जो उन्होंने पट्टी बांधी ठंड की वजह से बांधी होती है, पैड किए होते हैं उन्होंने। नहीं बात आपकी ठीक है, वो हम ब्रेक ले लेते हैं। कौन सा जख्म है कि जो अभी तक ठीक नहीं हुआ 3 महीने में भी, वो बात रहने दे, वो क्या है क्या नहीं है वो डॉक्टर बात बड़ी आगे चली जाएगी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बात बड़ी आगे चली जाएगी, 2 नंबर घर से बात फिर निकलेगी तो पता नहीं कहाँ तक चलेगी। दो जमान पार ब्रेक ब्रेक आप पार्टी ना बने, ब्रेक में गुफ्तगू कर लेते हैं, मजीद हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, शहर के सरकारी अस्पतालों का जिक्र तस्करा तो करते ही रहते हैं हम कि वहाँ के हालात क्या है। PKLI जिसको बहुत ही शहाना अंदाज में बनाया गया था, जो कि पाकिस्तान का शहर लाहौर का हिस्सा लगता ही नहीं था, अब यहाँ पर जी पहले तो 2 हफ्तों से किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बंद है, दूसरा यहाँ पर अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। क्रेडिट गोज़ टू बाबा रहमते, जानते हैं आप बाबा रहमते कौन? मैं जानती हूँ, लेकिन आप बाबा पुरानी नहीं, अगर वो जिंदा है तो उनको कोई शर्म आनी चाहिए, जाके देख ले। शर्म क्यों आनी चाहिए यार, उसने अपने भाई का कारोबार चलवाया, अब भाई का कारोबार जिंदा है, एक लुक ड्राफ्टर दूसरा भाई कर रहा है, तो भाईचारा है ये, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो क्या ये भाईचारा है, बड़े इदारे के साथ क्या करके गए, ये भाईचारा है। डॉक्टर सईद अख्तर की भाईचारा सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा ये कड़ियां वहीं से मिलती चली जा रही हैं। अभी रिसेंटली चौधरी परवेज इलाही साहब ने वहां का दौरा भी किया, कुछ नए ब्लॉक्स के हवाले से फंड्स भी एलोकेट किए, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने उसको हॉस्पिटल समझ लिया है, जिस तरह से म्यूज सर्विसेज वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट है, उसने आपके वो पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट आपके दीगर जो अजला थे पसमानदा एरियाज थे वहाँ पे उनकी ब्रांचेस बननी थी, उसने आगे बढ़ना था, आगे बढ़ने से पहले यानी ये कह लें कि बलूगत में ही बेचारे का जनाजा निकाल दिया आप रहे। और आपने जनाजा निकालने वाले बड़ी जबरदस्त पेंशन की जिंदगी खुशहाल जिंदगी कोई खुदा का खौफ क्यों नहीं है, हमारे यहाँ ये रवैया क्यों है कि जिस हुकूमत ने वो बनाया उसके जाने के बाद। PKLI में 21 दिन रह के हैं, देखो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ के डॉक्टर्स वहाँ के पैरामेडिक्स के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता था, क्योंकि हम लैपटॉप पे बात भी कर लेते थे आपस में, जब बात करनी थी तो वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर ने मुझसे ये रिक्वेस्ट, नाम नहीं बताऊँगा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि खुदारा जब आप बाहर निकलें तो जाकर समझाएं कि ये इदारा क्या है और इसका क्या काम है, इसका काम कोविड के पेशेंट्स को देखना नहीं है, ये जो फैसिलिटीज बना दी शबाज शरीफ ने ये वो फैसिलिटीज हैं जो यूरोप के लोगों को भी कम मुल्कों में दस्तयाब हैं। नहीं बनाई वो आवाम के पैसे से बनी, ओहो आवाम के पैसे से बनी, बढ़ना चाहिए था और आप सब आप एक तो हर बात को बजाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब मुझे, मैंने अभी कहूंगा ना कि अमेरिका सुपर पावर बन गया फलां के दौर में, तो उन्होंने कहना उसने अपनी जेब से थोड़ी बनाया सुपर पावर,
ये छोटी छोटी सोच का आपकी सोच है ना, फैसिलिटी थी तो गवर्नमेंट का काम है बनाना, ये आप बना दिया, देखिए आप उसको तबाह करा दिया बाबा रामदेव जिसको आप चले जाते हैं क्रेडिट की तरफ, तो फिर डिसक्रेडिट पहले क्यों नहीं आप बात करते, मेरी बात सुने। एक उसका जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वो अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ था PKLI, और उसके बाद उसी में ही वहाँ पर सिर्फ सैलरी के इशू पे आपने आपने डॉक्टर सईद अख्तर का वो हशर किया जो डॉक्टर्स बारी से लेके आ रहा था। किसने किया? मैंने तो कहा क्रेडिट गोज टू बाबा रहमत है, लेकिन चलने बना दिया, लेकिन ये बातें छोड़ दे, आगे नहीं बढ़ाना। किल्लत है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? परवेज लाई तो गरीबों का यहाँ पुरसाने हाल कौन है? आप निगरान सेटअप आ जाएगा तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार। अब हमें इलेक्शन तक इसी तरह से मरीजों को परेशान रहना पड़ेगा। अब आपको इंतजार करना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब बने। नहीं मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ, ये हकीकत है। आप कह रहे मैं मतवाला हूँ तो यार खुदा का खौफ करो आप अपना राव साहब, फिर मुझे आप कह रहे हैं कि मैं मतवाला भी हूँ, कोई और भी आ सकता है क्या? क्या नून लीग में और बात नहीं सकता, ऐसे चल रही है। शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। से पाक पाकिस्तान हम सबका ख्वाब है, और इसके लिए हम देखते हैं हुकूमत पंजाब टाइम टू टाइम अपनी एफर्ट करती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों का ताबून उस तरह से नहीं रहता, और कैंपेन में भी कहीं ना कहीं ये ऐसी कोताही रह जाती है कि जब कभी दोबारा सर्वे किया जाता है, जब कभी नमूने चेक किए जाते हैं, तो अगेन वो पॉजिटिव आ जाते हैं। सो इस चीज़ पे तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम के तवसुत से कि पोलियो टीमें कल से, क्योंकि शहर लाहौर में मंडे से बाकायदा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, तो आपके घर पोलियो की टीमें अगर आ रही हैं, आपके बच्चे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में भी स्पेशली इकदाम किए गए हैं, उसके बाद भी क्योंकि 7 डेज रखे गए हैं, तो टीमें आपके घर एक से दूसरी दफ़ा ज़रूर आएंगी, इनके साथ प्लीज़ ताउन कीजिए, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें कि ये पोलियो के दो कतरे आपके बच्चे की सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के ज़ामिन हैं। हम लोग आज भी हम लोग नहीं बल्कि आप कह सकते हैं हम में से ही कुछ लोगों का सेगमेंट है जो कि ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। सो अगर आप अपने बच्चे की तंदुरुस्ती चाहते हैं तो ये दो कतरे आपके बच्चे की तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के जामिल हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये पोलियो के दो कतरे आपके बच्चे की ज़िंदगी को महफूज बनाते हैं, पोलियो कैंपेन जो है इसका मकसद क्या है, आज के शो में ये हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पोलियो से मुतासरा एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है। सबसे पहले तो हमारे लिए सर आंखों पर है वो कि पोलियो से मुतासर होने के बाद भी वो अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि दोबारा कोई पोलियो से मुतासर ना हो। सो आज के मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ डायरेक्टर हिफाजती टीका जात पंजाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं, आयशा अली जो कि पोलियो से मुतासर हुई। सो अपने मेहमानों को आज के शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, आयशा की तरफ तो मैंने आना है, लेकिन सबसे पहले डायरेक्टर हिफाजती टीका जात पंजाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोशनी डाल दीजिएगा। ये जो पोलियो की मुहिम शुरू की है, हर 3-4-5 माह बाद जब भी ज़रूरत हो पोलियो की मुहिम को रिपीट किया जाता है, मकसद क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे और मीडिया के तवसत से हम लोगों से खिताब कर सकें, बातचीत कर सकें, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। पोलियो की जो बार बार मुहिमात जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, उसका एक ही मकसद है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें कूते मदाफ़त बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत कम होती है, इनको ताकतवर बनाने के लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बार बार पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, ताकि बच्चे का मदाफ़ती निज़ाम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाए कि बच्चा उस बीमारी को कैच ना कर सके, उसको ले ना सके, और खुदा ना खास्ता अगर हो भी जाती है तो उससे निपटने के लिए उसके पास इतनी ताकत मौजूद हो कि वो वायरस का मुकाबला कर सके। ठीक है, से ये मकसद है। बार बार मुहिम चलती है, क्या आपको लगता है कहाँ खामी रह जाती है जो हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे? देखेंगे पंजाब की जो आबादी है वो हम 12 करोड़ की आबादी में तकरीबन हर पोलियो की मुहिम में
अढ़ाई करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने में प्लान करते हैं। बहुत बड़ा एक प्लान बनता है, लोगों की ट्रेनिंग होती है, लोगों को मैसेज दिया जाता है कि जी आप अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बार बार कतरे पिलाएं। मतलब ये होता है कि एक वक्त में जब पूरी टीमें पूरी तैयारी के साथ फील्ड में उतरती हैं, फील्ड फॉर्मेशन में जाती हैं, तो कोई ना कोई बच्चे ऐसे ज़रूर रह जाते हैं जिन तक या हमारी टीमें नहीं पहुंच सकती खुदा ना खास्ता, या फिर वो वालदैन उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी तरजीह नहीं है, वो अपने रोज़गार में लगे होते हैं या बाकी मसरूफियात में लगे होते हैं, या वो उनका एक बिलीफ नहीं है कि शायद खुदा ना खास्ता हमारा बच्चा भी उस खतरे में है, उस दर्द में। और ये नुकसानदेह बात है, मतलब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव रहते हैं, इतना माशाल्लाह आप लोग शऊर रखते हैं, उसके बावजूद ये सोच होना कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ ही खुद सिंसियर नहीं है, अपने बच्चों के साथ खुद सिंसियर नहीं है, अफसोस ही किया जा सकता है। आयशा की तरफ मैं आऊँगी। आयशा, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करना चाहूँगी। माशाल्लाह आप जैसे लोग मेरे ख्याल से मिसाल हैं जो बताते हैं कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई माजूरी आड़े नहीं आती अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं। सो मुझे अपनी स्टोरी बताइएगा, किस तरह आप पोलियो से मुतासिर हुई, कब आपको पता चला? मैं 2 साल की थी, बहुत छोटी थी जब मुझे पोलियो हुआ, और मुझे हफाजती टिक्के और पोलियो के कतरे टाइम से ना पिलाने की वजह से मैं इस मजूरी का शिकार हो गई। सही। सो आप देखें कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोताही हुई, क्या आपने एक दफ़ा भी पोलियो के कतरे नहीं पिए? पिए लेकिन कभी पी लिए कभी नहीं पिए। ये देखें ये पॉइंट बड़ा अहम है, हमें लगता है कि एक दफ़ा पोलियो के कतरे पी लिए तो दैट इज़ इनफ, जबकि हम आपको बार बार कहते हैं कि आपके घर पोलियो की टीम जितनी दफ़ा भी आए, आपने अपने बच्चों को कतरे पिलाने, नुकसान तो इसका कोई नुकसान नहीं। सही। तो अब इस चीज़ को आपने नहीं समझना कि अच्छा जी 2 महीने पहले तो कतरे पिलाए थे, अब क्या ज़रूरत है पोलियो के कतरे पिलाने की। सो ये तो वाजे है कि अगर आप 15 दिन बाद भी कैंपेन शुरू हो रही है, आप अपने बच्चे को ये ड्रॉप्स पिला रहे हैं, तो इसका नुकसान कतई आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। सो अब मुझे बताएं किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रही हैं, कैसे फेस कर रही हैं, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को समझें और इससे महफूज रखें अपने आप को। देखें मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि एक मैं खुद मजदूर हूँ, खुद डिसेबल हूँ, और मुझे फील्ड में जाना पड़ता है, जो मुझे हाउस टारगेट दिया जाता है, एक एरिया दिया जाता है, उसको मुझे कंप्लीट करना होता है, और कंप्लीट करने के बावजूद भी लोग कोऑपरेट नहीं करते। लोगों को चाहिए कि जब हमारी पोलियो कभी लोगों से अपनी स्टोरी शेयर की है जो लोग ना करते, लोग देखते हैं पूछते हैं कि आप खुद एक डिसेबल पर्सन है, उसके बावजूद आप खुद बच्चों को ड्रॉप्स पिला रही हैं, बहुत बड़ी बात है कि आप से चला नहीं जाता, या आप कैसे चलती हैं, इतना आप सर्वे करती हैं, और उसके बावजूद आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप इस तरह से आती हैं और हमारे बच्चों को ड्रॉप्स पिलाती हैं। कुछ लोग एपिशेट भी करते हैं और कुछ लोग जो है वो मिसबिहेव भी करते हैं, तो उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। बहुत बाहिम्मत खातून है आयशा, जो मुतासर होने के बाद भी इस मुहिम पर निकली हैं कि उन्होंने अब किसी और को पोलियो से मुतासर नहीं होने देना। तो जो भी आपकी टीम दरवाजे पर आए उसके साथ अच्छा रवैया रखें, ये आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। अब्दुल जवाहर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैंपेन तो चल रही है, बारहा चलती है, अभी इशू ये आ रहा है कि बच्चे स्कूल्स गए हैं, अगर आपकी टीम सुबह के टाइम चले गई है, बच्चे स्कूल्स में है, फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर वो गैप आ जाएगा। असल में टीमों को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले स्कूल में जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कतरे पिलाने, ताकि एक छत के नीचे एक जगह पे बहुत सारे बच्चे मिल जाएं और मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुंच सकें। टीमों को ये भी कहा जाता है कि अगर 1-1.5 बजे के बाद छोटे बच्चों को छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर चले जाते हैं, तो उन घरों को भी नॉक करना है, वहाँ पे बकायदा डोर मार्किंग की जाती है, बच्चों को फिंगर मार्किंग की जाती है, ताकि हम उन बच्चों को और उन घरों को आइडेंटिफाई कर सकें कि इन घरों को हमारी टीमों ने टच किया है, और इनमें इस घर में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों को कतरे पिला दिए गए हैं, इतने बच्चे रह गए हैं। बड़ा ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटजी है, जिसके तहत टीमों को ट्यून ट्रेन किया जाता है, और फिर उसको देखा जाता है कि अब से फॉर एग्जांपल एक घर में पोलियो वर्कर गया, कतरे पिलाए,
वहाँ पे टोटल 5 साल से कम उम्र के 3 बच्चे थे, 2 बच्चों को कतरे पिला दिए, 1 बच्चा कहीं बाहर गया हुआ या स्कूल गया हुआ, स्कूल में भी उस बच्चे ने नहीं पिए, तो वो टीम दोबारा से उस कार को टच करेगी। उस वक्त तक जब तक वो 3/3 ना हो जाए, 3/3 ना हो जाए, उस वक्त तक वो जो एन ए बच्चे जिनको हम कहते हैं नॉट अवेलेबल बच्चे या रह जाने पोलियो के कतरे पीने से रह जाने वाले बच्चे, उन बच्चों को जब तक हम 100% नहीं कवर कर लेते उस वक्त हमारी टीम में उन घरों को फॉलो करते हैं। सर, ये मुहिम के दौरान आई डोंट नो कि इस पर अमल हो रहा है या नहीं, मुहिम से हटकर अगर हम देखें तो हम क्यों परमानेंट अपने शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर अपने बस अड्डों पर ये प्रॉपर इंतज़ाम नहीं रखते कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, हमने उन बच्चों को कतरे पहनाना लाजमी है, क्यों हम इसका भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बंदोबस्त किया हुआ है। तकरीबन 2600 टीमें जो हैं पूरे पंजाब में, उनको हम ट्रांजिट पॉइंट्स कहते हैं। ट्रांजिट पॉइंट 2 तरह के हैं, एक इंटरसिटी ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, एक इंटर प्रोविंशियल ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। यानी कोई बलूचिस्तान से बच्चे आएंगे पंजाब में, उनको उन साइट्स पे रोक के कतरे पिलाए जाएंगे, या एक शहर से लाहौर से बच्चा अगर शेखुपुरा जा रहा है या शेखुपुरा का बच्चा कसूर जा रहा है, तो जिधर शहर के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे हमारी टीमें बैठी होती हैं, वो उन लोगों को वालदान को रोकते हैं, उनको बड़े अदब एहतराम से कहते हैं कि आप ये बच्चे की उम्र कितनी है, अगर उस बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो तो उनको उन बच्चों को वहाँ पर ट्रांसफर पॉइंट पर कतरे पड़ा जाते हैं और बाकायदा उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि जो पोलियो की मुहिमात हैं, जो हमारी कंपेन्स हैं, इसके अलावा हमारी क्या अरेंजमेंट्स हैं पोलियो की, जो कंपेन्स हैं इन के दौरान जो डाटा मिलता है कि ये बच्चे, फॉर एग्जांपल लाहौर में 2100 बच्चे जो हैं वो ऐसे मिल गए जिन तक हमारी टीमें नहीं पहुंच सकी या वो बच्चे नहीं हमारे उस नेट में आ सके, उनको हम एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसको हम SES सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम पे उन बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल के वैक्सीनेटर के सिस्टम पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। मैं एक UC का वैक्सीनेटर हूँ, मैं रूटीन में टीके लगाता हूँ, पोलियो के कतरे पिलाता हूँ, मेरे वो मोबाइल पे, मेरे उस सिस्टम पे वो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उन बच्चों को आ जाएगा जिन्होंने पिछले पोलियो के कैंपेन में कतरे नहीं पिए। ना सिर्फ उनको पोलियो के कतरे फिर पिलाए जाएंगे बल्कि उनको बाकी हिफाजती टीकाजात भी लगाए जाएंगे। उस डैशबोर्ड की ये खूबी है कि ऑटोमेटिकली वो मेरे सिस्टम पे, मेरे मोबाइल पे या मेरे उस सिस्टम पे आ जाता है और मैं उन बच्चों को बड़े आराम से ट्रैक कर सकता हूँ कि मैं इस UC का वैक्सीनेटर हूँ और उन बच्चों को मैं ट्रैक ट्रेस करके वैक्सीन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है हमें अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे भी हमें कुछ ऐसे सेमिनार्स और कुछ ऐसी वीडियोस, बहुत बड़ी मीडिया कंपेन चलाई जाती है। उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जगह जगह पे हमारे जो लोग हैं वो सेमिनार्स करते हैं, पोलियो वॉक्स होती हैं, जितनी भी इंटरवेंशन हैं मीडिया के हवाले से वो सारी इंटरवेंशन, बल्कि मीडिया की हमारी एक ऑफिशियल मीडिया की टीम है जो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और फिर हमें फैसिलिटेट करते हैं, एक्सपर्ट्स को लेके जाते हैं वहाँ पे, हमारी उनसे इंटरेक्शन होता है। बीइंग अ पेरेंट, लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आया आपकी टीमों ने जो पोलियो वॉक्स रखे हैं जिनमें वो ड्रॉप्स हैं वो ठीक है या नहीं, उनका कोल्ड स्टोरेज का तरीके का ठीक है या नहीं, ये वो क्वेश्चन है जिस पर कभी आकर पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं कि हमने अपने बच्चों को ड्रॉप्स नहीं पिलानी है। सो मैं चाहूँगी वो भी आप शेयर कीजिए कि उस चीज़ का कैसे ख्याल रखा जाता है। EPI पंजाब या पोलियो प्रोग्राम ने जो बड़ा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज सिस्टम है कोल्ड चेन का, कि जो जहाज में जो वैक्सीन आती है सिर्फ उस जहाज की बुकिंग की जाती है जिसमें कोल्ड रूम हो। ये वैक्सीन वैसे नहीं, मतलब कोई सीटों पर रख के नहीं लाई जाती, बकायदा कोल्ड रूम जो है ना, कोल्ड स्टोरेज का बंदोबस्त हो उसमें, एयर फ्लाइट में उसमें उसकी बुकिंग की जाती है। जो ही वो वेयर हाउस पे आती है, वेयर हाउस में बड़े बड़े वॉक इन कोल्ड रूम बने हुए हैं, वहाँ पर स्टोर की जाती है। जब डिस्ट्रिक्ट को ये भेजी जाती है डीप डाउन, तो वहाँ पर जो कोल्ड चेन व्हीकल्स हैं उनमें उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब हमारा वर्कर फील्ड में जा कर लेके जाता है उस वैक्सीन को, स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर जो कि बड़े महंगी आइटम है, जो कि इंटरनेशनली जो मतलब स्टैंडर्डाइज हुई है, उसमें वैक्सीन को रखा जाता है। जब तक बच्चे के मुंह में कतरे नहीं डाल देते उस वक्त तक उसके कोल्ड चेन को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, फिर ही वैक्सीन इफेक्टिव होगी और बच्चे को तहफ्फुज़ देगी। अदरवाइज कहीं पर भी कोल्ड चेन ब्रेक हो जाए तो फिर ये हम वैक्सीन नहीं पिला रहे बच्चों को, फिर तो हम पानी के कतरे पिला रहे हैं। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है।
जो हमारे मॉनिटर्स होते हैं उनको खास तौर पे कहा जाता है कि आपने कोल्ड चेन को चेक करना है कि क्या हमारा वर्कर बच्चों को सही कतरे पिला रहा है या कि पानी के कतरे तो नहीं पिला रहा। चलिए ये तो बहुत अच्छा है, और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि जिन लोगों के जहन में ये सवाल है उनको भी क्लियर हो जाए कि ये मुहिम प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत चलती है। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपके डोर स्टेप पर जो भी टीम के लोग आएँ उनके साथ तआवुन कीजिए, अपने बच्चों को कतरे पिलाएँ अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सारी ज़िंदगी की माजूरी से बचाए, क्योंकि ये एक लाइलाज मर्ज है। ये वाजे कर चुके हैं बहुत दफ़ा बहुत सारे माहरीन, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स को हम बुला चुके हैं और इस पर बात कर चुके हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूर टीमों के साथ तआवुन कीजिए, बर वक्त अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। आयशा बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप हिम्मत बांधी रखें और काम करती रहें। मौसम की सूरत हाल टुडे इज़ वेदर में अच्छा जी, आज मैक्सिमम कितनी सर्दी होगी, आज दिन भर मौसम कैसा होगा, कोमल हमें बता रही है। जी कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो यह खस्ता हवाओं का सिलसिला बरकरार है, जबकि आसमान पर सूरज भी अपनी किरणें बिखेरने में मशगूल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सर्दी में मजीद जो है वो हम कमी भी देखेंगे। इसी के साथ साथ बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री तक जा गिरेगा, जिसके बाईस दर्जा हरारत में जहाँ पर हम कमी देखें वहीं सर्दी में मजीद शिद्दत देखेंगे। अभी भी जो है वो सर्दी शहरियों से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ये इस कदर सर्दी महसूस की जा रही है कि हड्डियाँ टूटती हुई महसूस होती हैं, और शहरियों को जो है वो इसलिए अलर्ट जारी किया गया है कि अब जो है शहरी होशियार भी हो जाए, ख़ुद को तैयार भी कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद सर्दी में शिद्दत देखने में नज़र आएगी। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर बारिशों के हवाले से तो बारिशों के हवाले से फिलहाल कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। अब जो है वो मौसम कुछ इस तरह का है कि शहरी इस मौसम खुशगवार अपना मूड भी महसूस करते हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो इस खुशगवार मौसम में जो है वो माल्टों के साथ लुत्फ अंदोज़ भी होते हैं। बात की जाए अब शहर लाहौर में अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो फ़िज़ाई आलूदगी ने ताहाल जो है वो शहर लाहौर का पीछा नहीं छोड़ा, आज भी लाहौर में AQI की शरह जो है वो 222 रिकॉर्ड की जा रही है, और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में एक बार फिर दूसरे नंबर। ठीक है जी, थैंक यू कोमल, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। हमने ब्रेक लेनी है, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। तो हमारे ट्रेनर जुहेब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज के टिप शेयर करेंगे। जी जुहेब, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडक्टर मसल, इनर थाई मसल, जिसका हर बंदे को प्रॉब्लम है। खास तौर पे लेडीज कहते हैं कि यार हमारी इनर थाई का फैट नहीं जा रहा, इसको कैसे कम किया जाए, बड़े टोटके कर लिए, बड़ी एक्सरसाइजेस कर ली, बड़ी डाइट कर ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आज मैं आपको 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा इनर थाई के लिए, जिसको आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन करना क्या है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, डाइट करनी है, कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट्स को बैलेंस इस्तेमाल करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को आपने बेहतर बनाना है, एक्टिव लाइफ स्टाइल में जाना है, और इन 3 से 4 एक्सरसाइज को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। सबसे पहले जो हमेशा की तरह कहता हूँ, वार्म अप करना है। वार्म अप स्टार्ट करेंगे मार्च से, विंटर्स है जैसे प्रोग्राम में कहता हूँ, विंटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मैक्सिमम टाइम के लिए वार्म अप करें, जितना अच्छा वार्म अप होगा उतनी अच्छी एक्सरसाइज होगी और इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, सो आई एम डूइंग मार्च, सिंपल मार्च करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, नेक्स्ट ड्रिल करूँगा मैं साइड जंप्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. ओके, मार्च दोबारा से कर रहा हूँ मैं, वॉर्म अप कर रहा हूँ बॉडी को। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना, जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि यार अगर आपको लोअर बैक इंजरी या नी इंजरी है तो जंप्स वगैरह को अवॉइड करें मार्च के दौरान, ही एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज ना करें जिसमें जंप्स वगैरह ऐड हों। ओके, सो जंपिंग जैक्स एक बार फिर करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, अपने एक्सरसाइज की तरफ स्टार्ट करते हैं, लंजेस करेंगे। सबसे पहले हम साइड लंजेस, ओपन योर लेग्स स्लाइटली एंड मूव करेंगे 1, 2, पोस्चर अपराइट रखेंगे 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 and 10. 10 to 20 रैप्स करेंगे आप अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक, अपने फिटनेस के मुताबिक। उसके बाद ब्रेक करेंगे, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। 1, 2, 3, 4, 5 कोशिश करें मैक्सिमम नीचे जाएं। 6, 7, 8, 9, 10। ओके, मार्च दोबारा करेंगे। ओके, तो ये होगी हमारी एक एक साइड लंजेस, और मुझे प्रॉपरली फील हो रहा है, बर्निंग फील हो रही है अपने एडक्टर मसल में। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे ये, दिस इज केटलबेल। अगर आप घर पे कर रहे हो तो केटलबेल अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज डंबल एज वेल। इसको पकड़ेंगे, अगेन वाइड ओपन लेग्स, और नीचे जाएंगे, पोस्चर अपराइट रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, नीचे 10 रैप्स करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 10 रैप्स के बाद दोबारा थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे बॉडी को, नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, और स्टार्ट अगेन। अगेन बैक स्ट्रेट, पोस्चर सीधा। जब स्क्वाट्स कर रहे होंगे, सोमो स्क्वाट्स करेंगे, जब से एक चीज का आपने ख्याल रखना है आपका बैक लॉक को। थैंक यू सो मच मुहिब, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।